योग गुरु बाबा रामदेव ने रोहतक के दयानंद मठ में एक कार्यक्रम में शिरकत की। यहां रामदेव एनआरसी के मुद्दे पर अपनी राय रखते हुए नजर आए, तो वहीं काले धन के मुद्दे पर कुछ भी बोलने से बचते दिखाई दिए। रोहतक में दयानंद मठ पहुंचे योग गुरु बाबा रामदेव ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। रामदेव ने एनआरसी मामले पर खुलकर बोलते हुए कहा कि अवैध रूप से देश में रह रहे नागरिक देश के लिए खतरा हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हो, पाकिस्तानी हो, रोहिंग्या या फिर अमेरिकी ही क्यों ना हो, करोड़ों लोग अवैध रूप से देश में रह रहे हैं। एक भी अवैध नागरिक इलीगल तरीके से कोई भी देश का व्यक्ति भारत में रहता है, वो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। चाहे रोहिंग्या हो, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो अमेरिका का भी नागरिक क्यों ना हो, एक भी विदेशी नागरिक अवैध तरीके से इलीगल तरीके से भारत में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो भारत में बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। एक कश्मीर हमसे सुलझा नहीं है, और कश्मीर में जितने लोग उतने ज्यादा, उससे कई गुना ज्यादा लोग अवैध तरीके से भारत में ऑलरेडी रह रहे हैं, ये साधारण घटना नहीं है। साथ ही उन्होंने काले धन के मामले में कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। आरक्षण पर रामदेव ने कहा कि आरक्षण का समाधान मेरे पास तो है, लेकिन मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ। सरकार ने काफी लड़ाई लड़ी केंद्र, जब कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन 4 साल हो गए काला धन नहीं आया, जबकि इंडिया से और धन गया है। बताइए अब कहाँ गए बाबा जी, हमारी क्यों लड़ाई करा होता है। राजनीतिक पार्टियों की यही समस्या जो मैंने अभी रखी कि जिनको आरक्षण मिल रहा है उसमें से क्रिमिनल में जो आ चुके उनको कैसे अलग किया जाए, और जिनको आरक्षण नहीं मिला है उनमें जो आर्थिक पिछड़ापन है, शैक्षणिक पिछड़ापन है, उनको, जिनको आर्थिक सामाजिक न्याय नहीं मिल पा रहा है उनको किस तरह से न्याय दिलाया जाए, इसका कोई रास्ता उनको नहीं सूझ रहा है। रास्ता हमको सूझता तो है, लेकिन क्योंकि मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ इसलिए मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। साफ है, जिस काले धन के मसले को रामदेव ने यूपीए सरकार के दौर में जोर शोर से उठाया था, आज उसी काले धन के मसले पर अब रामदेव बोलने से बच रहे हैं। टोटल न्यूज के लिए रोहतक से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।